नमस्ते दोस्तों, अंशु की रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाबी स्टाइल अंडा कढ़ी। पंजाबी स्टाइल अंडा कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 12 अंडे लिए हैं। इसे मैंने बॉयल करके इसके छिलके को निकाल लिया है। घी 3 to 4 टेबलस्पून, अनियन फाइनली चॉप्ड, ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड, अंडा कड़ी मसाला 2 टेबलस्पून, टर्मरिक लिए हैं मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, अनियन को मैंने ग्राइंड कर लिया है बट पूरा फाइनली ग्राइंड नहीं किया है, इसे थोड़ा सा दरदरा रखा है मैंने, और एक बड़े टोमेटो को मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। ये धनिया पत्ती मैंने कट कर लिए हैं। गार्लिक जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट। ये मैंने पानी लिया है जो हमें मैरिनेशन में और कढ़ी में हम यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले अंडे को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए अंडे को मैं फोर्क की सहायता से थोड़ा बहुत इसे मैं पिन करूँगी, जिससे जो भी हमारा मसाला है वो अंडे में अच्छे तरीके से चला जाए। बहुत ज़्यादा भी हमें पुश नहीं करना है, जिससे क्या होगा आपके अंडे टूट जाएंगे, क्योंकि ये बॉयल्ड अंडे हैं तो ये टूट जाएंगे। बस हल्के से करके कि सारे इसमें मसाले आ जाए। ये मैंने इसमें फोक की सहायता से इसमें मैंने होल कर लिया है छोटे छोटे ये में। अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। हम थोड़ा ही सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि हम ग्रेवी में भी सॉल्ट ऐड करेंगे। ये गार्लिक जिंजर पेस्ट थोड़ा लिया मैंने, ये थोड़ा टर्मरिक, ये थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च, और ये जो अंडे की जो मैंने मसाले बनाए हैं मैंने उसको लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से सारे मसाले जो हैं वो आपके अंडे में ऐड हो जाएं। ये हमारा मिक्स हो गया है। मैंने एक कढ़ाई यहाँ चढ़ा रखा है, ये गरम हो गया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे, जो घी हमने लिया था 3 to 4 टेबलस्पून। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको जैसे सुविधा हो वैसा यूज़ कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा फैला लेंगे जिससे आपके अंडे उसके तले में चिपके ना। चलिए, हमारा जो घी था वो गर्म हो गया है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके अंडे को इसमें डालेंगे। ये हमने सारे अंडे ऐड कर दिए हैं, और ये जो मसाला हमारा बचा है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। अब इसे हम चलाएंगे। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा भी नहीं चिपका है और ये आपको अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। इसे अभी हम 2 से 3 मिनट अभी और इसे फ्राई करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये फ्राई हो गया है इस तरीके से। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे। ये अंडा फ्राई होके देखिए दोस्तों इस तरीके से ब्राउन में फ्राई हो जाएगा। अब जो भी हमने यहाँ तेल लिया था जिससे मैंने अंडा फ्राई किया है, अब इसी तेल का यूज़ हम करेंगे अंडा कढ़ी में। ये हमारा ऑयल फिर से जो था वो गर्म हो गया है। जो घी से हमने फ्राई किया था अंडा, वही घी मैंने फिर से लिया है, और इसमें अब मैं खड़ा मसाला कुछ डालूंगी। ये दोस्तों ऑप्शनल है, आप यूज़ भी कर सकते हैं या नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया है। इसमें कसूरी मेथी है,
थोड़ा जीरा है और हमारा खड़ा गरम मसाला है। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे, इसे लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई करना है हमें। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा घी नहीं लिया है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हमारा फ्राई हो गया है अनियन के साथ। अब हम इसमें अनियन जो मैंने क्रश किया हुआ था वो हम ऐड करेंगे। इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा इसे फ्राई करेंगे। अब मैं मसाले को ऐड करूंगी। मैंने टर्मरिक डाला है, ये जो मैंने अंडा कड़ी मसाला बनाया था वो ऐड किया है। इसकी रेसिपी दोस्तों मैं अगले वीडियो में ज़रूर ऐड करूंगी। 2 टीस्पून डाला है मैंने, 2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है और 2 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया। इसे हम अच्छे तरीके से फिर से मिक्स करेंगे और इसे पकने देंगे थोड़ी देर तक। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने मैरिनेशन में भी डाला था इसलिए हम उसका ध्यान रखते हुए अब नमक ऐड करेंगे। और अगर आपको लग रहा हो जैसे मसाला अगर थोड़ा जल रहा है या लग रहा है तो आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करेंगे तो हमारा मसाला और भी अच्छी तरीके से पकेगा। मैंने इसमें थोड़ा पानी मिलाया है। अब इसे हम क्या करेंगे, पकने के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों, ऑयल यहाँ बाहर आ गया, इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो था वो फ्राई हो गया है। अब इसमें हम टमाटो प्यूरी जो हमने लिया था वो हम ऐड करेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये हमारा जो हमने प्यूरी डाला था टोमेटो प्यूरी वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसे फिर हम मिक्स करेंगे। आप धनिया पत्ती को बाद में भी ऐड कर सकते हैं, रेसिपी बनने के बाद भी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना पानी की आपको ज़रूरत है आप उतना ही पानी में, जितना ग्रेवी आपको चाहिए आप उतना ही पानी ऐड करेंगे। इस तरीके से मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आपको जैसे सुविधा हो, जिस तरीके का आपको खाना है, आपको थिक खाना हो तो आप पानी कम ऐड कर सकते हैं, जिस जैसा भी आपको खाना हो आप उस तरीके से पानी मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं इसे बॉयल करूँगी। बॉयल करने के बाद फिर बॉयल करने से क्या होगा कि आपके जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से पकेंगे। ये हमारा अच्छे से पक गया है, ग्रेवी उबाल आ गया है इसमें। अब हम इसमें जो अंडा हमने फ्राई किया था वो हम ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर फिर से पकने देंगे कि अंडा में सारी ग्रेवी का जो भी है वो सारा कुछ आ जाए और हमारा बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बने। ये हमारा अंडा ग्रेवी हो गया है, अंडा कड़ी हो गया। इसे गैस फ्लेम बंद करेंगे और हम इसे अब सर्व करेंगे। ये इसे मैं क्रीम के साथ गार्निश कर रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।